आज तेरी लकड़ी निकालता हूँ। भाई छोड़ दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए भाई, भाई शीनू, धंधा शीनू। अरे भाई मर जाऊंगा भाई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा भाई, भाई छोड़ दीजिए भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, कसम से कहता हूँ भाई, भाई। शीनू धंधा शीनू, शहर में जो एक ड्रग्स का धंधा हो रहा है सब मेरा ही है, पब्लिक में बेचूंगा, पुलिस स्टेशन के सामने बेचूंगा, असेंबली के सामने जाके बेचूंगा, कॉलेज, कॉलेज में जितना भी नेटवर्क है सब मेरा ही है, यूथ नेटवर्क। और तू होता कौन है बे? पुलिस को कंप्लेन करने वाला? अबे जानता नहीं मेरे को तू। भाई मत मारिए भाई। चलो भाई हमारे बंदे आ गए। सिटी कॉलेज भाई, पीआर कॉलेज भाई, एसटीआर कॉलेज भाई, वेरी गुड, ईएनआर कॉलेज भाई, सुपर। तेरा क्या है भाई? ये कह रहे ड्रग्स लेके वापस कर रहा है, कौन सा कॉलेज है? डीबीआर कॉलेज भाई। क्या डीबीआर कॉलेज? हमारे कॉलेज में ड्रग्स नहीं बेच सकते ऐसा बोला। किसने? रॉकी। रॉकी अबे कौन है रे रॉकी? ए तू है रॉकी क्या? निकल। अबे तू रॉकी है? नहीं भाई। निकल। ए तू है रॉकी? नहीं भाई। ए तू रॉकी है क्या? ए कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अबे कौन है रॉकी? हेलो भाई। कौन है रे? रॉकी। अरे मुझे गुस्सा आया ना तो एक हाथ मारूंगा, यहीं पे गिर जाएगा समझा? बच्चे की तरह लग रहा है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पांव पे गिर के माफी मांग ले समझा? नहीं मांगूंगा तो। एक ही पंच में हड्डी पसली एक हो जाएगी तेरी। अबे अबे अरे बाप रे बाप, इतना लंबा ये? एकदम महेश बाबू जैसा ही लग रहा है भाई, तुम एक जाकर पंच दो ना। अबे गधे उसकी हाइट देख, कैसे मारूंगा मैं उसको, कैसे पंच मारूंगा उसके मुंह पे मैं। अरे बाबू रॉकी। रॉकी बाबू, रॉकी बाबू, रॉकी बाबू, हम दोनों में सुलह हो जाए ऐसा कुछ रास्ता ढूंढिए ना आप। आपको देख के मुझे दया आ रही है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत दया आ रही है। क्यों क्यों? आपको बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे। क्या कौन बेवकूफ बना रहे मुझे? ड्रग्स माफिया। सच में? आपको एक पैकेट पे कितना कमीशन मिलता है? 1, 2, 3 10 ना? हाँ? तुमको कैसे पता? दिल्ली में 20, हैदराबाद में 40, कलकत्ता में 25। सच में? चीटिंग है भाई। हाँ? आप बहुत सीधे इंसान हो। हाँ? अगर आपको 25% मिल जाए ना, हाँ? तो एक दिन में 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया। सच में? थैंक्स भाई। अभी तक मेरे साथ चीट कर रहे थे सब मिलके, अब मैं उनको दिखाता हूँ शीनू के साथ चीटिंग करने का क्या अंजाम होता है। आप इतने ताकतवर हो, कोई और उठा रहे? क्या बात कर रहे हो भाई, और नहीं तो क्या मेरे भाई? नहीं तो क्या? अरे भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो, भगवान साक्षात भगवान हो मेरे भाई, साक्षात भगवान। हाँ भैया, यही नाइजीरियन वालों का अड्डा है, शहर में ये लोग हमारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों को पता नहीं है। आओ ए नाइजीरियन भाई, इससे मिलो। क्या रे सीनू, पता नहीं बाहर के आदमी को अंदर लाना मना है। अरे मेरा भाई है ये। क्यों आया है? मेरी तरफ से बात करने के लिए आया है। क्या बात करेगा? हमको 25% कमीशन चाहिए। नहीं दिया तो? क्यों नहीं देगा बे? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, हर जगह पे 25% देते हैं सबको, और हमको क्या दे रहा है, सिर्फ 10%। अगर हमको 25% देता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी परमिशन के बिना इस शहर के अंदर तेरे ड्रग्स को नो एंट्री। सही बोला ना भाई? कमाल का बोला भाई। तेरी तो शीनो, धंधा शीनो। भाई क्या हो गया? बस ऐसा ही लेटा हूँ। तो फिर उठिए ना। अरे उठूंगा तो मार डालेगा, नीचे रहूंगा सेफ रहूंगा। हीरो को फाइट करनी चाहिए, मैं तो कॉमेडियन हूँ, मेरे को फाइट करना नहीं चाहिए। तू फाइट कर, तब तक अपन सोता है। जैसी आपकी मर्जी।
पहली बार कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब कोई भी अगली बार हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। Kill him! रुको! पकड़ो उसे! दरवाजा खोल! वहां से जाओ! क्या किया भाई तुमने? 25% दिलवाने वाले थे तुम, ये तो 0.5% भी नहीं है। 25% क्या है भाई, GST भी दिलवाऊंगा। सच में? ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश, आज की ताजा खबर। ड्रग्स गैंग को पकड़ने वाला युवक सिटी में फैले माफिया को पकड़कर उनको पुलिस के हवाले किया और ये सब धंधा शीनू ने करवाया। आज जो ये युवा हमारे पास है सर, इसके ऊपर आपका कोई कमेंट? शीनू सर हमारे साथ लाइव है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? करता कौन है भरता कौन है। सर सुना है कि पुलिस ने आपको 25 लाख रुपए इनाम दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देता कौन है लेता कौन है। नए नोटों की खुशबू, थैंक यू बड़े भैया। तेरे दोस्त को उस लड़के के बॉडीगार्ड ने बहुत मारा है। बहुत मारा, कई लोग थे। हाँ बहुत खून निकल रहा है यार। हाँ वो लखपत हो गया भाई। सिद्धू क्या हुआ तुझे? सेकेंड ईयर कॉलेज ब्यूटी क्वीन श्वेता कैंटीन के पास आई तो देखा सर नीचे कर। इतनी हिम्मत की तू हमारी श्वेता मैडम को घूर रहा था? वन मिनट मैम। यस। यहाँ पे श्वेता कौन है? हाँ मैं हूँ, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ?
खुद को कॉलेज की ब्यूटी समझती हो? हाँ, कोई देखे तो उसे पिटवा दोगी। सुनो। हाँ हाँ, मार खिलाऊंगी। क्या कर लेगा तू? कहीं का 30 मार खान है क्या? बहुत देखे तेरे जैसे, मुझसे दूर रहना। तो फिर एक बैठ है, कल सुबह 10 बजे कॉलेज कैंपस में सबके सामने तुम्हें लिप किस करूंगा। 24 घंटे पहले बता रहा हूँ, जितने भी बॉडीगार्ड्स लगाने हैं लगवा ले, लेकिन किस करना तो फिक्स है। इट्स अ चैलेंज। अरे देखो देखो, रॉकी आ रहा है। आने दे, मेरा पावर और उसका पावर क्या है पता चल जाएगा। ए, देख श्वेता आज बिना बॉडीगार्ड के आई है। मांग रही है। कुछ दिन पहले एक इंग्लिश पिक्चर देखी थी, आज सामने से देख रहा हूँ। अब बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? शिट। ये कहाँ जा रहा है? बाप रे, क्या होगा बोलकर कितनी टेंशन में आ गई। टेंशन की ऐसी की तैसी, उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे कि बस वही मुझे चाहिए। जब उसने मुझे वॉर्न किया तो ऐसा लगा कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है, और वही मेरा बॉडीगार्ड है। ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रुको। तो तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, क्यों क्या हुआ? यह पब्लिक में शर्मा रहा है क्या? बोले तो कहीं और चले? नहीं। तो फिर यहाँ पर ही करते हैं, किस कर सकते हो ना? करना चाहिए, कर देना यार। इस कॉलेज का तू बहुत बड़ा हीरो है ना, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ। चलो अब किस करो ना। क्या रे नाटक कर रहा है तू? किसेस दे रहा है? 32 ही निकाल दूंगी। तुझे लगता है ये सब बहुत आसान है? अरे चुप क्यों है, कुछ तो बोल। I love you. तुम्हें उसे चार चाटे मारने चाहिए थे। उसे गुस्सा आया तो? उसे गुस्सा आया तो क्या हो गया? कौन सा वो तुर्रम खान है? तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, छोड़ देना उसे। अरे किसने ही करके पूरा मूड खराब कर दिया, इसलिए गुस्सा आ गया है। ए, सब चुप रहो। अरे मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि उसने मुझे किसने किया, बल्कि उसने अंजलि को आई लव यू बोला। अरे इस टाइम पर उसके लिए क्यों रो रही है? अरे वो मुझे किस देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं उसे जाकर एक थप्पड़ लगाऊंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। I love you अंजलि। रॉकी, कल लैब में आकर मुझे चैलेंज किया, मुझे लगा तेरा चैलेंज तेरी तरह लंबा होगा। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये चैलेंज को सीरियसली लेकर बहुत खड़ा है। हाय अंजलि। तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने क्या किया? तुम्हें पता है श्वेता कितनी हर्ट हो गई है, इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी ये बोलकर टीसी लेकर चली गई है। फिर से हंसते हुए मेरे पास आएगी वो अगले जन्म में? अगले जन्म में? अगले जन्म में हम प्यार करेंगे ना, भगवान का भी यही फैसला है। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? हम कब शुरू करें? क्या शुरू करना है? इस जन्म में हमें प्यार करना है ना।
भगवान का फैसला है ये, देखते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया हीरो। हम फिल्म देखने चले, संडे है, टिकट भी बुक करा दिया। लंच तुम शो के बाद करोगी या फिर शो के पहले लंच? वो किस लिए? क्या कह रही हो तुम, इस जन्म में हम एक दूसरे के लवर है ना, और ये तो भगवान का डिसीजन है। देखो रॉकी, सबसे पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बाद अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को प्यार का एहसास होना चाहिए, और फाइनल स्टेप एक दूसरे के लिए प्यार जागना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए कि मूवी पर जाना है या नहीं जाना है, ऐसे करते हैं डिसाइड, समझे ना? ओके ओके ओके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ये रॉकी यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो इनवाइट नहीं किया इसे, बिन बुलाए आ गया लगता है। चलो चलकर देखते हैं। बचा हुआ खाना क्यों लेकर जा रहा है? लगता है ले जाकर कहीं बेचेगा। ये इतना घटिया होगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ बिल्कुल। ये क्या लक्ष्मी? अरे रॉकी आ गया। चलो आजा। अरे लक्ष्मी, तुम क्यों कर रही हो? लाओ मैं करता हूँ, तुम जाके आराम करो। अगर अपने हाथों से अन्नदान करूंगी ना, तो मेरा आने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। हे पांडू, दीदी को करना है तो करने दे। ठीक है भाई, ये लीजिए। बेटा शुक्रिया। अरे बाप रे, इसने तो देख लिया। What a surprise! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा सोशल सर्विस देख रही हूँ। ह्यूमन सर्विस। एक आदमी खाना बर्बाद करता है और दूसरा भूखा रह जाता है। बचे हुए खाने को इनमें लाके बांटना, मैं यही करता हूँ, और ये मेरी अन्नपूर्णा ट्रस्ट। सिटी के बड़े होटल और मैरिज फंक्शन से हमने टाई अप कर रखा है, और सब हमें कॉपरेट भी कर रहे हैं। उनके पास जो भी बचा खाना होता है वो हमें कॉल करके बुलाते हैं, हम कलेक्ट करके बांट देते हैं। अरे तुम्हारे अंदर ये एंगल भी है, आई अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू। मैं भी तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? ज्वाइन करने के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। बिल्कुल, बोलो कितना, 5,000 या 10,000? कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा नहीं। तो फिर क्या? हमारे ट्रस्ट का फ्री ब्लड बैंक है, और बहुत से अच्छे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हम गरीबों में ये ब्लड फ्री में डोनेट करते हैं। इमरजेंसी में बहुतों की जान भी बची है। पहले जो रॉकी देखा था और अब जो रॉकी देख रही हूँ, उसे देखकर मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। वेलकम टू अन्नपूर्णा ट्रस्ट। इसका मतलब अब मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ ना? ये मेरी टीम नहीं है, मेरी मम्मी की टीम है। अच्छा? हाँ, मेरी मम्मी इसकी ट्रस्टी है। मेरी माँ का नाम अन्नपूर्णा है, शी इज पावरफुल वुमन। उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया है। हमारी भारत माता, हमारी भारत माता, को फूलों की माला, को फूलों की माला, हमारी जन्मदात्री, हमारी जन्मदात्री, को मंगलारती। बहुत से लोग बस यही जानते हैं कि मेरी माँ एक म्यूजिक टीचर है, किसी को दूसरा एंगल नहीं पता है, मेरी माँ एक पावरफुल वुमेन है। माँ, माँ, हाँ,
नमस्ते आंटी, मेरा नाम है अंजलि, मेरी बेटी की क्लासमेट और सोलमेट। बेटा अगर तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। थैंक्स मॉम। ओके ओके। मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का, मुझे चाहिए। लड़की चाहिए बोला ना। कहा ना लड़का चाहिए? मैंने बोला ना मुझे लड़की चाहिए। कुछ नहीं सुनने वाली। अरे कहा ना बेटी चाहिए? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं समझना। कहा ना लड़का चाहिए? मुझे बेटी चाहिए। तुम क्यों चल रहे हो? देखिए ना मालकिन, मैं कब से बोल रहा हूँ। नहीं मालकिन, मैं जो बोल रही हूँ वो बात नहीं समझ रहा मेरी। किसके बारे में? मुझे बस इसकी तरह एक प्यारी सी बच्ची चाहिए। पर मुझे इसी की तरह एक सांवला सा प्यारा बेटा चाहिए। मुझे लड़की चाहिए। कहा ना लड़का चाहिए? मुझे लड़की चाहिए। नहीं लड़का चाहिए। मुझे लड़की चाहिए। रुक जाओ, झगड़ा मत करो। तुमको उसके जैसी बेटी चाहिए और उसको तुम्हारे जैसे लड़का चाहिए। जुड़वा बच्चे पैदा कर ले। आपने सही कहा मालकिन। ए, क्या तुम तैयार हो? देखती हूँ मैं, जुड़वा पैदा करेंगे। कौन हो तुम? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? उधर देखो। कौन है ये लोग? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पी के गाड़ी चलाती हो? तुम्हारी कार से इनका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हो गया ऐसा? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कंप्लेन की ना तो 3 साल के लिए तुम सब जेल में चली जाओगी। ए, पुलिस को फोन करो जल्दी। सॉरी। तुम्हारी घटिया सॉरी नहीं चाहिए मुझे, इनके नुकसान की भरपाई करो। मुझे नहीं चाहिए, इनको दो। लीजिए। शुक्रिया बेटा। लड़की हो इसलिए वार्निंग देके छोड़ दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके। अरे सुनो, अपना नाम तो बता दो। इतना क्यों भाव खा रहे हो? रॉकी। इतने हैंडसम आदमी का स्वीट सा नाम, सो स्वीट। तुमने जो ड्रेस पहना है और जो मेकअप किया है, पीने के बाद बिंदास डांस कर रही हो, पता है गांधी जी ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था? क्या सोचा था? जब लड़कियां आधी रात को अकेले घूमे और उन्हें कुछ ना हो, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, वही आजादी है। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। एक बॉयफ्रेंड के साथ सब पब में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ना? तुमको एक सच्ची बात बताऊं, लोग पागल होते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, समझे? मैडम जी लोग, आप लोग को नमस्कार। आज की ताज़ा खबर हमें ये मिल रही है कि कल रात को किसी ने म्यूनिसिपैलिटी की लाइट तोड़ दी है। महापौर ने आदेश दिया है कि किसने तोड़ा है इसका पता जल्दी से जल्दी लगाए। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है कि ये विपक्षी दल का काम है। हमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन मिली है कि सिटी में जो ये घटिया हरकत हो रही है इसके पीछे वही लोग हैं। पीए, ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है मैडम। उसकी जरूरत नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट को तोड़ने वाला मैं हूँ। कौन है तू? रॉकी, बीए फाइनल ईयर, डीवीआर कॉलेज। मामूली से स्टूडेंट है तू। स्ट्रीट लाइट तोड़ने जैसे हिम्मत कहाँ से आई तेरे में? लाइट्स तोड़ने के लिए हिम्मत की नहीं, डंडे की जरूरत होती है। अरे ये क्या कर रहा है तू? अरे पागल हो गया क्या? क्या करा? देखो तो जरा, सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है और ये लोग खिड़की पे पर्दे डाल के लाइट जला रखे हैं। शर्म नहीं आती? सुबह 6 बजे सूरज उगता है,
सूरज उगने के बाद भी लाइटें चली रहती हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से कितनी बिजली खर्च होती है, शहर में कितनी स्ट्रीट लाइट है, अगर वो इसी तरह से एक घंटे भी जलती रही तो कितनी बिजली, कितने पैसे खर्च होते हैं पता है आपको? इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। ये पैसे किसके हैं? तुम्हारे बाप के नहीं, हमारे पैसे हैं, जनता के। जनता रात दिन मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के एक एक रुपए कमाती है और टैक्स जमा करती है। पानी का बिल, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, न जाने कितने टैक्स सरकार को जमा करती है और उनके पैसे इस तरह से उड़ाए जाते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये हमारे पैसे हैं, सारे टैक्स हम भरें और हमारे पैसे तुम उड़ाओ, हम तुम्हें अपने पैसों पर ऐश नहीं करने देंगे। तुम कॉर्पोरेटर को लाखों रुपए सैलरी मिलती है, वो पैसे हमारे हैं, और तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि तुम लोग टाइम पे स्ट्रीट लाइट बंद करवा दो? ये तो कायरता है, निर्लज्जता है, गद्दारी है। पैसे खैरात में आते हैं क्या? तुम लोगों को उसी स्ट्रीट लाइट में लटका देना चाहिए। तुम्हें तो मैं क्यों, हमारी केंद्र सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, तुम लोग को कुछ सुनाई ही नहीं देता है। क्यों, बहरे हो क्या तुम लोग, बताओ ना। कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली पानी नहीं है, बेचारे किसान थक हार के आत्महत्या करते हैं, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अरे जवाब दो ना। तुम लोग को तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने वो लाइट्स तोड़ी हैं। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, सिटीजन ऑफ द सिटी। तुम एक लीडर हो, नायक हो, लोगों ने तुम्हें सर पे बिठाया है, लेकिन तुम लोग, वो जमाना चला गया मैडम, अब तुम भी एक पब्लिक सर्वेंट हो, जनता की सेवा करो, होश में आ जाओ और काम करो। टेक केयर, चलो। नमस्ते, 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 नमस्ते ससुर जी। आइए दामाद जी, आइए, यहाँ पर मैं सबको एक सूचना देना चाहता हूँ। दामाद जी, जल्द ही इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, मैं आपको अपना वारिस घोषित करता हूँ और कल ही आप उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। थैंक यू ससुर जी। नई खबर, रघुपति जी को सीताराम अपना नया वारिस घोषित कर रहे हैं। सीएम की घोषणा, कल सीताराम रघुपति को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखना ये है कि वे अपने वादे पर खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। ताज़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। रघुपति यानी कि मैं शासन द्वारा निर्मित सारी व्यवस्था को मान कर चलूंगा और अपनी पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से देश और समाज के लिए कर्तव्य रत रहूंगा और हमेशा राज्य के जनता की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। कोई भी काम भय से नहीं करूंगा और कभी भी राजद्रोह नहीं करूंगा। राज्य में सबकी सेवा करूंगा, पक्षपात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ राज्य की उन्नति के लिए काम करूंगा और राज्य में सबकी सेवा करूंगा। ये मैं भगवान को साक्षी मानकर आप लोगों के सामने शपथ लेता हूँ। रघुपति बाबू, रघुपति बाबू, हमारे हमारे आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। मिस्टर रघुपति जी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ ली है कि वो जनता को सपोर्ट करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति बाबू, पिए सर, इस उप मुख्यमंत्री में से ये जो उप है इसे म्यूट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं सर, जरा करके देख। ओके सर। सर जरा आप चैनल चेंज करिए। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति बाबू, रघुपति बाबू, एक बार फिर से रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति यानी कि मैं
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। हेलो, क्या हुआ पांडू? भैया भैया, जो नहीं होना था वो हो गया। क्या हुआ पांडू? उधर देखिए भैया, मैं नहीं जा पाऊंगी। हिम्मत रखो। हम लोग पहुंच गए, जरा सा सब्र रखो। नर्स, नर्स बहन जी, नर्स बहन जी, मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है। नर्स बहन जी, नर्स। अरे भैया सुनिए जरा, मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द सह नहीं पा रही है, कुछ कीजिए। क्या तेरा नाटक है, क्या हुआ रही? मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कृपा करके एक स्ट्रेचर दे दो। स्ट्रेचर चाहिए? स्ट्रेचर के लिए 1000 रुपए लगेगा। अरे बाप रे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम थोड़ा रुको। अगर स्ट्रेचर नहीं है तो व्हील चेयर ही दे दो भैया। व्हील चेयर चाहिए, उसके लिए 500 रुपए लगेगा। अरे बाप रे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर चल के जाओ। अरे लक्ष्मी, अरे थोड़ा सा ऐसा केस है। अरे कुछ नहीं सर, डिलीवरी केस है। देखो भाई, वही बच्चों को पैदा करने वाला डॉक्टर है, जाके पैर पकड़ ले उसके। जा जा जल्दी। रुको, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। सर 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 सर, ये क्या है तुम्हारा नाटक? मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप कुछ कीजिए ना सर। 10000 रुपए है क्या? फौरन डिलीवरी हो जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब आदमी हो? प्रेग्नेंट करते समय तो नहीं सोचा होगा गरीब आदमी हो। पहले उसको वार्ड में ले जाओ, और वहाँ जो लाइन में खड़े हैं पहले उनको देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा तो देख लूंगा। ऐसा मत कीजिए सर, सर 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 सर, मेरी बात सुनिए सर, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए सर, मेरी बात सुनिए सर। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से गरीब आदमी। अरे सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा, थोड़ा सब्र रखो, नहीं हो रहा, थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओए, इधर किधर जा रहे हो? वो लिफ्ट के पास। अरे लिफ्ट लिफ्ट कुछ नहीं, वो तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। अरे जरा मेरी बात सुनो। अरे वो सब सुनने के लिए टाइम नहीं है, वो देखो सामने सीढ़ी है ना, हाँ उसके ऊपर से जाओ। अरे पर, अरे जाना रे, अरे जाओ। अम्मा, आराम से जरा संभल कर, बस आ गए, आराम से। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी। आराम से। सब्र रखो, बस पहुंच गए। अम्मा, मैं नहीं चढ़ पा रही। संभल कर, बस पहुंच गए। मुझसे नहीं हो पा रहा, बस थोड़ा सा हौसला रखो, बस हम पहुंच गए। मुझ पर भरोसा रखो। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। देखो ना भैया, तुमने 20000 रुपए दे दिए ना, चुटके में अबॉर्शन कर दूंगा। हाँ। आदमी है राक्षस। अरे बाप रे, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई? शहर के सरकारी अस्पताल में आज एक घटना हुई, वहाँ हाथापाई हुई और हेल्थ मिनिस्टर पर कई सवाल भी उठे। ये बस नाम का सरकारी अस्पताल है, यहाँ बेचारे गरीब आते हैं, यहाँ पे उनकी दवाइयाँ नहीं होती, इंजेक्शन नहीं लगते, ना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ना ही ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स होती हैं, पावर बैकअप तो दूर की बात है, बच्चों के वार्ड में चूहे घूमते हैं, दवाइयाँ चूहे खा रहे हैं, यहाँ पे कोई कुछ करता ही नहीं है। ब्लड लेना हो तो रिश्वत दो, स्ट्रेचर लेना हो तो रिश्वत दो, डिलीवरी करवाना हो तो रिश्वत, दवा के नाम पे रिश्वत, यहाँ तक कि अगर कोई मर जाए तो बॉडी लेने तक के लिए रिश्वत दो। यही यही है हमारे सरकारी अस्पताल की सच्चाई।
सरकार गरीबों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आज जो मेरी बहन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। उसका बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया। यही है यहाँ की असलियत। यहाँ जो दवाइयाँ आती हैं उसे बेच दिया जाता है। ये बहुत बड़ा माफिया है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये किसी और का कारनामा नहीं बल्कि अपने हेल्थ मिनिस्टर का है। वो एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उनसे ऐसे हजारों सवाल पूछूंगा, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इट्स अ शेम, वो मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। आज का स्टूडेंट युवक सवाल कर रहा है और कॉलेज स्टूडेंट लीडर रॉकी चाहता है कि यूनियन के साथ मिलकर नया जुलूस निकाला जाए। हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर। सरकारी अस्पताल में कायरता और आलसपन साफ साफ दिखाई दे रहा है। सरकार गरीबों को पूरी तरह से इलाज देने में असफल रही है और हेल्थ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देने की मांग जनता में बहुत जोरों शोरों से उठ रही है। पब्लिक की भी एक ही मांग है और मीडिया की भी एक ही मांग है, रघुपति को इस्तीफा देना ही होगा। सबकी बस एक ही इच्छा है, रघुपति का इस्तीफा। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग उसके साथ इस जुलूस में जुड़ना चाहते हैं। रॉकी भाई, यू आर रॉकिंग। अगर ये युवा हमारे साथ खड़ा हो जाए तो कैसा रहेगा, ये उसने दिखा दिया है। सारी युवा पीढ़ी रॉकी का साथ दे रही है। आज का स्टूडेंट सवाल कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट के साथ और यूनियन के साथ मिलकर नया जुलूस निकाल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यही तो, कॉलेज स्टूडेंट का गुस्सा आपके ऊपर क्यों भाई, मेरी समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। उसको फौरन बुलाओ। रेड्डी भाई, भाई मैं उसे नीचे और वो मुझे नजर उठाकर ऊपर देख रहा है, कैसा लग रहा है? आप सुपर हीरो लग रहे हो भाई। रेड्डी बाबू, कैसा लग रहा हूँ मैं? आप तो सुपर हीरो लग रहे हो बाबू। मैंने सच बोल दिया। 10 स्टूडेंट्स तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं तो तू अपने आप को हीरो समझ रहा है? तुझे क्या लगता है, तेरे चिल्लाने से मैं इस्तीफा दे दूंगा? सुनो रॉकी, इनके बारे में तुमको अच्छे से पता नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। अगर उनके साथ ज्यादा उलझोगे ना तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। पैसे चाहिए, पोस्ट चाहिए, जो भी चाहिए मिल जाएगा तुमको। सुनो, तुमसे पहले भी एक स्टूडेंट बहुत उछल कूद कर रहा था, आज कहाँ है वो? उनके पैरों के नीचे पड़ा है, यही मैटर है। मैं ऐसा नहीं हूँ। हर कुत्ता एक तरह का नहीं होता है, मुझे पता है। कोई कुत्ता बिस्किट के ऊपर गिर जाता है और कोई कुत्ता चिकन के ऊपर। तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं फेंक दूंगा। तुम हिलाते हुए मेरे पाँव के पास गिरे रहना। तेरे पाँव पे गिरने वाला तेरा पालतू कुत्ता नहीं हूँ, शिकार करने वाला शेर हूँ। तो किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? मैं तुझे बताऊँ तू किससे बात कर रहा है? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है रे तू, कौन है? याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं तुझे? 15 साल पहले एक छोटे से बच्चे ने पत्थर मारा था तुझे, वो बच्चा मैं हूं। तो तू रामकृष्ण, फर्स्ट क्लास, बी सेक्शन, विनरी स्कूल। उस दिन तूने कहा था ना कि सीएम बनना तेरा गोल है। मैंने भी कहा था कि तुझे सीएम ना बनने देना मेरा गोल है। याद तो आ ही गया होगा, उस दिन जो बोला था मैंने वही आज फिर बोल रहा हूं, तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माय गोल, इट्स माय चैलेंज।
तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माय गोल, इट्स माय चैलेंज। इस सब का जिम्मेदार है हेल्थ मिनिस्टर। इट्स अ शेम। तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माय गोल, इट्स माय चैलेंज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आरोग्य शाखा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रघुपति जी के खिलाफ लोगों ने भरपूर प्रदर्शन किया। युवा वर्ग उनके खिलाफ होते जा रहा है और हर तरफ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आज के युवा की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, बस रॉकी रॉकी रॉकी। आज के यूथ की सारी सोच एक जैसी हो गई है और उनकी पार्टी के खिलाफ लोग सवाल उठा रहे हैं। बचपन से हर किसी की मदद करना और अपनी माँ के नाम पर ट्रस्ट खोलकर लोगों की मदद करना, उनका सदा से यही काम रहा है। वो रॉकी आपके सामने बच्चा है, क्या होता है आप देखते जाइए। उसको ऐसे नचाना चाहकर आपके पैर के नीचे नहीं लाया तो मेरा नाम नहीं। हेलो हेलो सर, हेलो सर, प्लीज हेल्प मी। कौन है आप? मेरा नाम वरलक्ष्मी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ लोग मेरे घर के गेट के पास आकर खड़े हैं। सर प्लीज हेल्प मी। सर आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाउस नंबर 42 कमलापुर कॉलोनी। मैंने सोचा था कि उस दिन तुमसे गलती से एक्सीडेंट हुआ था, अब तुमने ये सब भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो और मेरा वीडियो शूट करके इंटरनेट पे अपलोड करना चाहती हो। मैं ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र अच्छी तरह से समझता हूँ। ये तुम्हारा दिमाग है या फिर उस रेडियप्पा का दिमाग है? आज तुमने जो किया बहुत गलत किया है। कल को अगर कोई लड़की या फिर कोई और भी मदद मांगने के लिए फोन करेगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे फंसाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई काम ढूंढ लो और मेहनत से पैसे कमाओ। तुमसे अच्छे तो भिखारी हैं, वो मेहनत करते हैं। बेशर्मी भरी जिंदगी जीने से अच्छा शान से मर जाओ। इतना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? हैं? वो देखिए सर, वो आ गई। ये क्या काम हो गया ना, उसके साथ वीडियो बना लिया ना? जल्दी लाओ, मुझे अपलोड करना है, जल्दी करो। ये क्या है? ये तुम्हारा एडवांस है। वो फंसा नहीं क्या? वो मेरी खूबसूरती पर नहीं गिरा, उसकी सच्चाई पर मैं फिसल गई। तू मेरे सामने भाषण मार रही है, तेरी तो तूने हाथ से मारा ना तो चप्पल से मारूंगी। मेरे साथ मिनिस्टर है पता है ना? मेरे पीछे पूरा सोशल मीडिया है, खबरदार। पर मुझे तुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तेरी वजह से एक मर्द को देखा मैंने। कौन सी मर्दानगी देखी उसमें? मर्द का ये मतलब नहीं कि बिस्तर गर्म करे और बाथरूम के अंदर गंदी हरकत करे। अभी तक तेरे जैसा घिरा हुआ आदमी देखा है, आज मैंने एक असली मर्द को देखा। उसकी आँखों में एक आग है समझा, उसकी जुबान में एक ताकत है और वो बुलेट की तरह पावरफुल है। तेरे जैसे को उसी बुलेट से कुचल देगा। तेरा मुंह बंद कर, तू क्या, तेरी औकात क्या? जिस्म बेचने वाली औरत है तू। ए, मैं जीने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ, तुम लोग तो कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच देते हो।
सॉरी भाई, मैंने तो उसे फंसाने के लिए बहुत ही हॉट लड़की भेजी थी, लेकिन ये लड़की उसके ऊपर फिदा हो गई और पलट गई। कोई बात नहीं है भाई, बिहार से अपने आदमियों को बुलाता हूं। अरे भैया मुझे क्यों मार रहे हो? सच है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैंने पता किया है, एकदम कंफर्म है, वो रॉके है ना, अन्नपूर्णा का बेटा है भैया। ये लो देखो। अन्नपूर्णा का बेटा? सीएम की एकलौती बेटी ने आपसे प्यार किया था ना, आपसे अन्नपूर्णा को जो उम्मीद थी आपने हवा में उड़ा दी। सीएम का दामाद होंगे ये सोचकर आपने नेक्स्ट सीएम बनने के चक्कर में सबको छोड़ दिया। आप उससे शादी करेंगे इस उम्मीद में अन्नपूर्णा आपके भरोसे रह गई। एक और बात बताऊं आपको, शादी होने से पहले ही अन्नपूर्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। आज जो लड़का आपके सामने है, मतलब वो रॉकी आपका ही बेटा है, आपका बेटा। अन्नपूर्णा का बेटा? गलत किया मैंने, जो किया गलत किया। प्यार मैंने तुमसे किया और फिर भी मैंने इस तरह से, ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जानती हो ना अन्नपूर्णा, मैं एमएलए मिनिस्टर
और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। सीएम की बेटी से शादी करने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कर लिया। पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। गले में मंगलसूत्र तो नहीं बांध सकता, पर हमेशा पत्नी के रूप में देखूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। हाँ, मुझे रखोगे? हाँ रखूंगा। बीवी की तरह देखोगे? हाँ हाँ देखूंगा। जितना पैसा चाहिए उतना दोगे? हाँ हाँ दूंगा। तुम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे तो फीस के लिए मैंने सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल का काम किया। तुम स्टूडेंट लीडर के लिए जो खर्चा करते थे ना, उसके लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए। तुम्हें कॉर्पोरेटर की सीट जिताने के लिए मैंने गांव के खेत तक बेच दिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना तन मन धन सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, और ना ही कोई भीख चाहिए, और ना कोई हमदर्दी। जाओ, निकलो यहां से। सुन लो तुम, अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो क्या करना है। आगे से कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। तुमने ऐसा क्यों किया अन्नपूर्णा? तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई अन्नपूर्णा? रॉकी मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। यह जानकर मैं कितना खुश हूं पता है? मैं ये सोचकर बहुत दुखी था कि मेरा कोई वारिश नहीं है, लेकिन मेरा वारिश है, और वो है रॉकी, मेरा वारिश। कहाँ मेरा बेटा रॉकी? कहाँ रॉकी? कहाँ हो रॉकी? हेलो, इधर। हाँ रॉकी, मेरे बेटे। दोबारा अगर तूने मुझे बेटा कहा ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। रॉकी बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर आगे ये शब्द कहा तो तेरी जुबान काट दूंगा। हाँ हाँ, समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। उस दिन मैंने तुझे पत्थर क्यों मारा था मुझे समझ आ गया। तुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है, मेरे दिल में ये बात क्यों जागी? आखिर क्यों क्यों मैं तुझसे इतना नफरत करने लग गया? सब समझ आ गया है मुझे, अच्छी तरह से समझ आ गया। तूने मेरी माँ के साथ धोखा किया है। उस माँ का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसके दिए संस्कार मेरी रगों में है, और वही मेरे दिलो दिमाग में है। इसीलिए गुस्सा और नफरत तेरे लिए पैदा हुई। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तू कौन है, अब पता चलने के बाद ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं फिर तुझे चैलेंज करता हूं। धरती आसमान एक हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल आए, लेकिन मैं तुझे सीएम नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। हाँ?
क्या कह रहे हो रॉकी? इसके पहले तुमने अनाथ कहा, अपनी माँ को तुमने आंटी कहा, अब आंटी को तुम अपनी सगी माँ बोल रहे हो? ये क्या है? सब कुछ अजीब लग रहा है। आखिर सच क्या है और झूठ क्या है? सा सा री री ग ग री सा 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 री री ग ग री सा सा री री ग ग मामा सा सा री री ग ग मामा री री ग ग मामा ग ग री री ग ग मामा ग ग। मम्मी क्या बात है बेटा, यहाँ आओ। इतना उदास क्यों है बेटा? स्कूल में सब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा विदेश में है, ऐसा बोलना। महागणपति महागणपति मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। क्या हुआ बेटा? सब पूछ रहे हैं कि पापा विदेश से कब आएंगे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। क्यों, क्या हो गया बेटा, बताओ जरा मुझे। सब बच्चे क्लास के अंदर मुझे मुझे मुझे। हाँ तुझे क्या? पापा विदेश गए हैं, ये सब झूठ है। हाँ? रॉकी हाय हाय बोल के मुझे चिढ़ा रहे थे मम्मी। रॉकी हाय हाय रॉकी सर। बोलिए मैडम। रॉकी का एडमिशन फॉर्म निकालिए। व्हाट इज द मैटर मैडम? देखिए जरा माँ का नाम क्या लिखा है। अन्नपूर्णा शर्मा। और पिताजी का नाम? ब्लैंक है मैडम। ये क्या माँ का नाम भी इसने काट दिया? एक ने रखा हाय चिल्ड्रन। हाय। तुम लोग सब पूछ रहे थे ना कि रॉकी के पिताजी कहाँ है? He has no daddy. रॉकी के पिताजी नहीं है, इनफैक्ट उसकी माँ भी नहीं है और ना ही मेरा बेटा है, वो एक अनाथ है। दरअसल रॉकी कचरे के डिब्बे में पड़ा था, मैंने उसे वहां से उठाकर उसे गोद लिया है। ओके 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 ओके। अब तो कोई स्कूल में प्रॉब्लम नहीं हो रही ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं मम्मी, पहले स्कूल में हाय हाय कहकर चिढ़ाते थे, कल आपने आकर अनाथ बोला ना तो सब लोग मुझ पर दया खाकर दोस्ती कर रहे हैं मेरे से। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है मम्मी। तो फिर फुल हैप्पी? फुल हैप्पी। अच्छा जाकर जरा नहा लो बेटा। ठीक है मम्मी। सब मुझे निकम्मा बोला करते थे, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, इसलिए मुझे अनाथ कर दिया। 9 महीने मुझे पेट में रखा, जन्म दिया, उसके बाद भी कहती थी कि मैं उन्हें कचरे के डिब्बे में मिला था। सोचो ये कह के मेरी माँ पे क्या बीती होगी। लेकिन मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मुझे मेरी माँ की कोख में पैदा होने का सौभाग्य मिला। ये जरूर मेरे किसी पिछले जन्म का पुण्य होगा। Oh.
जगह बनाने वाला लोकप्रिय नेता रॉकी। स्टूडेंट यूनियन के बाकी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने की योजना पर काम चल रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आज की ताज़ा खबर, रॉकी अपनी नई पार्टी अलग नाम से शुरू करने जा रहा है। उनकी मां पूर्णा देवी इसकी नई अध्यक्षिका होंगी और नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीताराम जी जिंदाबाद, सीताराम जी जिंदाबाद, सीताराम जी जिंदाबाद, सीताराम जी जिंदाबाद, सीताराम जी जिंदाबाद। हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद। रॉकी अपनी नई पार्टी शुरू करने जा रहा है। उनकी माँ अन्नपूर्णा देवी उसकी नई अध्यक्षिका होंगी और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पीपल पार्टी के अगेंस्ट खड़े होने वाले रॉकी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करके अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। रघुपति बाबू जिंदाबाद, रघुपति बाबू जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी के उप मुख्यमंत्री श्रीमान रघुपति जी के खिलाफ खड़े हुए स्टूडेंट लीडर रॉकी ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है और चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। अभी आप लोग जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अरे भैया यहाँ पर है। भैया भैया भैया, गुड न्यूज भैया। क्या है? वो रॉकी का ना नॉमिनेशन मैंने रद्द करवा दिया। क्या सच में? सच है भैया। और नहीं तो क्या, वो बच्चा आपके विरोध में खड़ा हो रहा था, इसीलिए रिजेक्ट करवा दिया। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी, पैसा फेंको तमाशा देखो, हमारे देश में तो चलता ही है ना, मैंने करवा दिया। भैया रॉकी का फोन है, जरा स्पीकर ऑन कर। हेलो रॉकी। क्या रे रॉकी, मेरा तमाचा कैसा लगा? मैं जो बोलूंगा ना उसे सुन के बेहोश हो जाएगा। बोलो बेटा। तूने अपने फायदे के लिए नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया है ना? यही किया ना तूने? हाँ। रिजेक्ट करवाने के बाद खुशियां मना रहा है, लेकिन तुझे एक बात नहीं पता है। पता है वो बात क्या है? तो बता ना। तेरे खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा हूँ। कौन है रे वो? अन्नपूर्णा देवी, मदर ऑफ राम कृष्ण। तुझे कैसे हराना है और किसके हाथों से हराना है, ये मैंने पहले ही तय कर लिया है। अब तेरा गेम ओवर। अब तो तू बस बैठ के गेम के मजे ले। अरे बाप रे, मर गया। आज से तेरी बर्बादी शुरू। भाइयों और बहनों नमस्कार। इस बार के चुनाव में मैं स्टूडेंट पार्टी यानी कि हमारी सेना की तरफ से मैं एमएलए के लिए लड़ रही हूँ। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तुम सबके सामने आ रही हूँ। ये पार्टी युवाओं की है, आप सबकी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हम सब एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, वक्त बदलेंगे, नेता बदलेंगे, पर कभी भी जनता का भाग्य नहीं बदलेंगे। और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बस सिर्फ एक मौका दीजिए। रॉकी जो है अपने बैनर से अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं। ये युवक राज्य में बदलाव लाने का संकल्प कर रहा है, ऐसी पार्टी के खिलाफ जो राज्य में इतने समय से राज कर रही है। रॉकी क्या करेगा? क्या उसके खिलाफ खड़ा रह पाएगा? पब्लिक भी आपस में बातें कर रही है कि क्या ये नव युवक खड़ा रह पाएगा। जनता अपनी अलग अलग राय दे रही है। जो ये सोच रहे हैं कि एक नई पार्टी पुरानी पार्टी के खिलाफ नहीं रह पाएगी, सारी जनता अब इस नई पार्टी में एक सुनहरे भविष्य की अपार संभावनाएं तलाश रही है। नए पार्टी के साथ में उनके आगे बढ़ रही है और अब एक नई क्रांति की रोशनी नजर आ रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इतने सालों से एक नॉर्मल महिला टीचर रहते हुए कितने अच्छे तरीके से समाज सेवा कर रही है। अन्नपूर्णा ट्रस्ट की स्थापना उन्होंने की है और अब राज्य के उप मुख्यमंत्री रघुपति के खिलाफ खड़े होकर जनता का दिल जीतने में लगी हुई है। और अन्नपूर्णा जी जहाँ भी जा रही है, महिलाओं में काफी उत्साह और उम्मीद की लहर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें महिलाओं का विशेष समर्थन भी मिल रहा है। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग मौत से डर जाएं, वो लीडर नहीं होते हैं। हम देश की मिट्टी में मिल सकते हैं,
लेकिन अपने देश के झंडे को कभी भी झुकने नहीं देंगे। हमारा देश ऐसे ही महान नहीं बना, महापुरुषों ने इसे महान बनाने के लिए खून बहाया है। मैं हर भ्रष्टाचारियों से सवाल करूंगा, समाज के ठेकेदारों से सवाल करूंगा, गरीबों के लिए सवाल करूंगा, किसानों के लिए लड़ूंगा और उनके लिए भी सवाल करूंगा। लंबे समय से जो काम पड़े हैं उनके लिए भी सबका जवाब देना पड़ेगा। मेरे सवालों से कोई बच के कहीं जा ही नहीं सकता। बीयर की बॉटल, बिरयानी के पैकेट और 2,000 रुपए दे के कोई भी वोट नहीं खरीद सकता। मैं उनसे भी सवाल करूंगा। वो जो पैसे देकर तुमसे वोट खरीदते हैं, वो तुम पे ही राज करते हैं। आखिर क्यों? क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपना राजा बनाना ही क्यों? भ्रष्टाचार करने वाला रघुपति चाहिए या अन्न देने वाली अन्नपूर्णा जी? अन्नपूर्णा चाहिए। प्रश्न करके लड़ने के अलावा और मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं बस राज्य की भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ये सवाल मेरे नहीं बल्कि आप सबके हैं और इसका जवाब चाहिए हमें। बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम और उनके स्टिकर्स देखकर, साड़ी और कुकर देखकर औरतें जो वोट देती हैं, क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन तुम्हारे अपने बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन माफिया, हेल्थ माफिया, एजुकेशन माफिया, ह्यूमन माफिया, लिकर माफिया, इन सभी से अकेले खड़ा होकर सवाल पूछूंगा। जनता की तरफ से सवाल करना हमारा कर्तव्य है और जवाब देना सरकार का, और उसे जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद। फिलहाल डॉक्टर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटों तक रॉकी की जिंदगी खतरे में है। चारों ओर लोग उनकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। चिंता की बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है, नो प्रॉब्लम। अब रॉकी की जान को कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि पूरी तरह से ठीक होने में उन्हें समय लगेगा। उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके विजुअल सबके सामने आ गए हैं। रॉकी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके सीसीटीवी विजुअल सबके सामने आ गए हैं। युवा पार्टी के रॉकी पर हमला होने की वजह से जनता की संवेदनाएं बढ़ चुकी हैं। 3 दशक से जो राज कर रहे थे अब पब्लिक उनके खिलाफ हो गई है। बच्चे हो या बूढ़े या फिर देश के युवा, सभी रॉकी के साथ आ चुके हैं। नर्स, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। बोलिए सर, क्या हुआ? मुझे प्रेस में इंटरव्यू देना है। नो 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 नो, 1 वीक तक कंप्लीट बेड रेस्ट। आई सेड कॉल द प्रेस। आज की ताजा खबर, रॉकी अभी खतरे से बाहर है और वो जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। वो जल्द ही मीडिया से बात करेंगे। सर, हमें बताइए सर, ये हमला कैसे हुआ आपके ऊपर? बोलिए सर। समाज में जो भी गलत हो रहा है उस पे सवाल पूछना गुनाह है। अगर मैं सवाल पूछूं तो मुझे मार देंगे। अब मैं गरीबों के लिए मरने को भी तैयार हूं। मेरी बस आखिरी एक ही इच्छा है कि इंसाफ की जीत हो। न्याय की जीत हो और अन्याय की हार। गरीबों का जो भला करे वही पार्टी जीते, बुरे लोगों को मार भगाइए, अच्छे लोगों को जिताइए। अगर कल को मैं मर भी जाता हूं तो मेरे लिए आंसू मत बहाना। मेरी मां का साथ दीजिए, मेरी विनती है, मां का साथ दीजिए। मेरी मां आप सबकी मां है। मेरी मां की जीत हुई तो समझिए आप सबकी जीत है। उसे उसे जिताइए और खुशी से इस समाज में अपनी जिंदगी बिताइए। मेरी मां को आपको जिताना होगा। जय हिंद। जनता के प्रति अच्छी संवेदना प्राप्त कर ली है। क्या सुपर है तेरी तो, क्या सुपर है, सुपर है, सुपर है, सुपर है तेरी तो, सुपर है, सुपर। रॉकी के पार्टी पर हमला होने की वजह से जनता की संवेदना बढ़ गई है। जो कई सालों से हमारे देश पर राज कर रहे थे अब पब्लिक उनके खिलाफ हो गई है। इतने दिनों से पीपल्स पार्टी ने हम लोगों का कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। सर्वे यही कह रहा है कि अन्नपूर्णा जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। रॉकी सेना की फैन फॉलोइंग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सारे पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारा सर्वे यही कह रहा है कि अन्नपूर्णा जी आगे बढ़ रही है और रघुपति जी के पार्टी में पहली बार निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। पार्टी का ग्राफ भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। रघुपति जी के पार्टी के नेता सारे निराश है क्योंकि उनकी पार्टी हारते नजर आ रही है। राज्य
राज्य के अंदर सारे पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो चुकी है। सारे शहरों के अंदर गिनती भी शुरू हो चुकी है। युवाओं ने जो अपना कीमती वोट दिया है, देखते हैं इस बार क्या बदलाव आता है और जनता इस बार बेसब्री से नए बदलाव का इंतजार कर रही है। और जनता के अंदर उत्साह है, एक नए पार्टी के आने की उम्मीद है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और काफी सालों से राज्य में राज करने वाले पीपल्स पार्टी के खिलाफ रॉकी की सेना क्या जीत पाएगी? अभी अभी वोटों की गिनती शुरू हो गई है और कुछ ही पलों में रिजल्ट आ जाएगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक नई उम्मीद के साथ जनता बहुत बड़ी आस लगा के बैठी है और सारे राज्य में रॉकी की सेना की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। सारे राज्य में तेलुगु सेना की जीत और रघुपति जी को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। अन्नपूर्णा जी के खिलाफ जो खड़े थे वो बुरी तरह से हार गए हैं। ठीक इलेक्शन के समय पर ही रॉकी के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया। जनता की सारी संवेदना उससे जुड़ गई और हम लोग को हरा दिया। आप इतने सीनियर हैं, इतने अनुभवी हैं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा वैसा कुछ करेंगे। छीछे, ये सब तुम्हारी बेवकूफियों से हुआ है। सीसीटीवी फुटेज वापस आई है। अरे बाप रे, वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में मुझे पता नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उस फुटेज को लीक किसने किया। मैंने 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 वो सीसीटीवी फुटेज मैंने ही लीक की थी। तुम बुढ़े लोगों ने बहुत राजनीति कर ली, अब मेरे जैसे यूथ लोग पॉलिटिक्स में उतरे हैं। नया बदलाव आएगा, नया सिस्टम आएगा। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। भ्रष्टाचार का आरोप है। दिल्ली से एक टीम उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके घर के लिए निकल चुकी है। वो जल्द ही अरेस्ट किए जाएंगे। सर, हम सीबीआई ऑफिसर हैं। रघुपति जी कहाँ हैं? रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। लगता है पागल हो गए। रघुपति यानी कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। रॉकी की सेना के लोग एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं। रॉकी का सम्मान और उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। रॉकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। रॉकी जिंदाबाद, रॉकी जिंदाबाद, रॉकी जिंदाबाद। और एक जुलूस निकाल कर एक उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कल आप सबसे छोटे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आपको दिल से बधाई सर। मुख्यमंत्री की शपथ मैं नहीं लूंगा। कौन लेगा फिर? मेरी माँ लेंगी। कल अन्नपूर्णा जी पहली बार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही गौरवशाली बात है। आज श्रीमती अन्नपूर्णा जी तेलुगु पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। आप शपथ लेंगी अन्नपूर्णा देवी? मुख्यमंत्री के लिए मैं अन्नपूर्णा देवी, मदर ऑफ राम किशन, शपथ लेती हूँ। मैं तन मन से अपने राज्य की पूरी तरह से सेवा करूंगी। एक महिला जो कि हरदम कहती है कि इसकी पत्नी हूँ, उसकी पत्नी हूँ, पर आज के दिन एक माँ ने अपने बेटे रॉकी मतलब राम किशन के नाम पर शपथ ली है। ये भी एक इतिहास है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए दीपिंति के साथ। पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करूंगी और प्रजा के लिए खुद को समर्पित करती हूँ। स्कूल में सब पूछ रहे हैं,
क्या बोलते हैं? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? रॉकी हाय हाय बोल के मुझे चिढ़ा रहे थे मम्मी। रॉकी हाय हाय। वो एक अनाथ है। दरअसल रॉकी कचरे के डिब्बे में पड़ा था। मैंने उसे वहां से उठाकर उसे गोद लिया है। तो फिर फुल हैप्पी? फुल हैप्पी। आपने अपनी माँ को सीएम बना दिया, अब तो आपका काम पूरा हो गया? नहीं, जब भी कभी कहीं अन्याय होगा तो मैं जनता के हित के लिए हमेशा सवाल पूछूंगा। आपकी माँ भी अब मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनसे भी सवाल करेंगे? अगर किसी ने गलती की तो मैं अपनी माँ से ही नहीं बल्कि भगवान से भी सवाल करूंगा। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? और फिर 5 साल के बाद? मेरा राजनीतिक करियर कभी खत्म नहीं होने वाला। जनता के लिए, जनता को इंसाफ दिलाने के लिए मैं हमेशा सवाल करता रहूंगा। मैंने अपना रास्ता बदल दिया तो भी मैं हमेशा सवाल करूंगा। जनता की सेवा मेरा धर्म है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरी जिंदगी है। जय हिंद, भारत माता की जय। सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, ये फीचर फिल्म सबको यही संदेश देती है। मैं राजा रेड्डी आपको नमस्कार करता हूँ।